आजकल की मॉडर्न लड़की थी। वो हमेशा टिप टॉप रहती और मेकअप करके अपनी स्नैपचैट से फोटो खींचती रहती और फिर उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला करती। कुछ दिनों बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़का पढ़ा लिखा था और कमाता भी अच्छा था, इसलिए टोनी के मम्मी पापा ने उसकी फौरन शादी करा दी। अपनी शादी के पहले दिन पर ही टोनी बाज नहीं आती और वो अपनी स्नैपचैट के अलग अलग फिल्टर से फोटो खींचने लगती है। लेकिन तभी सोनू कमरे में आता है और कहता है, अरे टोनी क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं सोनू, मैं तो बस स्नैपचैट पर अलग अलग फिल्टर में फोटो खींच रही थी। लाओ तुम्हारी भी खींचती हूँ। नहीं टोनी रहने दो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे अब इतने भी नखरे मत करो, खींचने दो मुझे फोटो। टोनी सोनू की अलग अलग फिल्टर से फोटो खींचती है, कोई लिपस्टिक वाली तो कोई लड़की वाली तो कोई कुत्ते वाली, और फिर सोनू को दिखाती है। ये देखो अपनी फोटो। कैसे लग रहे हो? अरे टोनी ये तुमने के कर दिया, मुझे के बना दिया तुमने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं। डिलीट करो अभी से, चलो। नहीं अब तो ये कभी भी डिलीट नहीं होंगी, हमेशा मेरे पास रहेंगी जिंदगी भर। ऐसे ही अगले दिन टोनी फिर सुबह उठकर मेकअप करके फिर से स्नैपचैट पर अलग अलग फिल्टर में फोटो खींचने लगती है। तभी उसकी सास उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है फोन में? माँ जी इसे ना स्नैपचैट कहते हैं और इसमें ना अलग अलग फिल्टर होते हैं, बहुत ही मजेदार और फनी। लाओ मैं आपकी भी एक दो फोटो खींचती हूँ। अरे नहीं बहू रहने दे, बुढ़ापे में ये सब करती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे माँ जी दुनिया को मारो गोली और आप जिंदगी के मजे लो। टोनी फिर अपनी सास को दो तीन फोटो खींचती है और उसे अपनी सास को दिखाती है। लीजिए ये देखिए माँ जी अपनी फोटो। लूसी फोटो देखकर कहती है, हे माता रानी ये तूने मुझे क्या बना दिया बहू? कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया और ये मुझे भी, ये सब तूने कैसे किया बहू? यही तो कमाल है माँ जी स्नैपचैट का, बस आप ये बताओ को आपको अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा है बहू, बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? क्यूट लग रहा है बहू, मुझे भी सिखा देना ये फोटो कैसे खींचते हैं। मैं और तेरे पापा जी खींचते रहेंगे और बुढ़ापा ऐसे ही मौज मस्ती में निकल जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, लाइए दीजिए अपना फोन, अभी डाउनलोड करके देती हूँ। बस क्या था, टोनी ने अपनी सास के फोन में भी स्नैपचैट डाउनलोड कर दिया और उसे सारी चीजें समझा दी कि कैसे स्नैपचैट वाली सेल्फी ली जाती है। बस फिर क्या था, अब दोनों सास बहू स्नैपचैट में ही लगे रहते थे और पूरे दिन अपनी ऊटपटांग फोटो खींचा करते थे। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था, उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी, उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है, हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू तू बिल्कुल सही कह रही है, हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था, तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना, अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुंच जाता है। चिंटू ए चिंटू देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ, अरे इन्हें खा के तो देख कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा, मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा
बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है, तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है, उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है, एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो, मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई, तू बहुत ही बदमाश है, आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, अब कैसा सबक मिला तुमको। अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2,00,000 रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4,00,000 रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है, वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा, इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुँचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया, आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था, अब डरा धमका कर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू
पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की? अब उसे तुरंत वापिस कीजिए। मुखिया कहता है, अरे टिल्लू, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे और उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है, एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था, उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी, उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है, हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है, हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे, जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था, तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना, अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुंच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ, अरे इन्हें खा के तो देख कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा।
मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है, तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है, उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है, एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो, मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई, तू बहुत ही बदमाश है, आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, अब कैसा सबक मिला तुमको। अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। सेठ जी ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं, पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। श्यामपुर के गांव में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू किराना दुकान में काम किया करता था और जब भी दिवाली का मौसम आता तो वो सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए बनाकर बेचता था। इस तरह दिवाली में दिए बनाकर बेचने से टिल्लू की ऊपरी कमाई हो जाती थी। एक बार ऐसे ही दिवाली का त्योहार आता है और टिल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर में जब दिए बना रहा होता है तब उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। इस पर पीलू आकर उससे कहती है, पिताजी आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, अब आप दिए मत बनाइए। अरे बेटी अभी तो दिवाली का त्योहार है, अगर मैं दिए नहीं बनाऊंगा तो मेरी ऊपरी कमाई कैसे होगी, फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं कि नहीं। पिताजी आप दवाई खाकर आराम कीजिए, मैं दिए बना लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। अरे पीलू तू क्या क्या करेगी, घर का काम करेगी, दिए बनाएगी और फिर तेरी परीक्षा भी तो पास में है, तू उसकी पढ़ाई कब करेगी, तुझे पढ़ लिख कर शहर में भी तो जाना है। पिताजी आप ज्यादा सोचिए मत, दवाई खाइए और आराम कीजिए। अच्छा अच्छा जैसा तू बोले। फिर पीलू अपने पिताजी को दवाई दे देती है और जब वो सोने लगता है तब पीलू दिए बनाने लगती है। लेकिन पीलू ना सिर्फ दिए बनाती है बल्कि उनमें सुंदर सी पेंटिंग भी कर देती है, इससे उसके दिए और भी सुंदर लगने लगते हैं। अगले दिन पीलू दियो को ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर दिए, दिवाली के दिए, सुंदर सुंदर दिए, रंग बिरंगे पेंटिंग वाले दिए। पीलू के पास बबली चिड़िया आती है। पीलू ये दिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, महंगे हैं क्या? अरे नहीं बबली जी, आपके घर की शान में 4 चांद लगा देंगे और ये महंगे भी नहीं हैं। अच्छा बता कितने के हैं ये दिए? बबली मैम ये 20 रुपए के 4 दिए हैं, बताइए आपको कितने दूं? फिर बबली
दिए लेकर वहाँ से चली जाती है। हरिया काका पीलू की दुकान में आते हैं। अरे पीलू, ये दिए तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ हरिया काका, ये आपके बंगले की शान बढ़ाएंगे, इन्हें आप ले जाइए। हाँ हाँ, ऐसे दिए तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे, ये तो बहुत सुंदर हैं। इस तरह से पीलू के पूरे दिए उस दिन बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आती है। इसके बाद पीलू अपने पिताजी को उस दिन की कमाई दिखाती है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पीलू, तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरे दिए वाकई में बहुत सुंदर हैं। चल अब तू भोजन कर ले, दिन भर से तू थक गई होगी। फिर पीलू भोजन करके वापस से दिए बनाने में जुट जाती है। अगले दिन पीलू दिए लेकर उस बाजार में जाती है जहाँ पर अमीर पक्षी खरीदारी करने आया करते थे। वो वहाँ देखती है कि एक बड़ी दुकान वाला एक गरीब मजदूर को डांट रहा है। तुमको मैंने 1000 दियो का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे सिर्फ 100 ही दिए दिए हैं। अब बताओ, मेरे इतने बड़े बड़े अमीर ग्राहकों को मैं क्या जवाब दूंगा? माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने इस बार दिए बनाते समय मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया तो मिट्टी पतली हो गई, इस वजह से मैं आपको दिए नहीं बना के दे पाया हूँ। अरे तूने मिट्टी में पानी मिलाया या पानी में मिट्टी मिला दिया है? तेरी वजह से नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। ये सुनकर पीलू दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, सेठ जी ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ये दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है, ऐसे पेंटिंग वाले सुंदर दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। अरे वाह, ऐसे दिए तो अमीर लोगों को बहुत पसंद आएंगे, लेकिन चिड़िया तुम 1000 दियों का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? पीलू हाँ कहकर उसे 200 दिए देकर चली जाती है और घर में दिन रात मेहनत करती है और 1000 दियों का ऑर्डर पूरा करती है। 1000 दिए ले जाकर पीलू दुकान वाले को देती है। वाह पीलू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारे दिए अमीर चिड़ियाओं को जरूर पसंद आएंगे, फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बड़ा ऑर्डर दूंगा। इस तरह से पीलू रिकॉर्ड तोड़ दिए बनाती है और उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है। फिर पीलू अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीद कर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आवाज, वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका, इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने? अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली? देखू तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे, अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे? फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं, अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है।
अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया, मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी, तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है। फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है ओ ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है पीलू बहन कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है हाँ हाँ बहन परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं। क्यों रे कालू तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुरा कर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया तुमको शर्म है कि नहीं, ये क्या तरीका है, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपक वन में सुंदर एक गरीब धोबी था, वो लोगों के कपड़े धोता था और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाता था। सुंदर शिव जी का भक्त था, वो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाता था, बेलपत्री अर्पित करता था। सुंदर की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दिन अपने स्त्री को शिव जी के सामने रख कर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद काम शुरू करता था। सुंदर अपने बेटे बंटी और बबलू पीलू के साथ रहता था। एक दिन काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर अब से काम करने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन इस दुर्घटना में उसकी स्त्री टूट जाती है। पिताजी आपकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये है कि एक नहीं सुनते, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और ये काम करने लगे। बेटी इस बात के लिए शिव जी को तकलीफ नहीं देते हैं, पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। बंटी बेटा शिव शंभू का आशीर्वाद ले और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा, तू कुछ कमाता नहीं है और अब मेरी तबीयत के कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तू अपने लिए स्त्री खरीद ले। पिताजी आपके जमाने में ये सब चलता था, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आप किसी का कहना नहीं मानते हो, आप बहुत जिद्दी हो, ये नहीं तो कोई और काम शुरू कर दो। लेकिन बंटी उनकी बात नहीं मानता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू दुखी हो जाती है तो सुंदर शिव के पास उसको लेकर जाता है। हे भगवान शिव जी मुझे पता है ये सब आपकी लीला है, प्रभु आप मेरी बहू की प्रार्थना सुनिए। हे शिव शंभू कृपा करके मेरे पति को सही रास्ते में लाइए, ऐसे में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, कृपा करे प्रभु। और शिव जी उसकी भावनाओं को सुनकर प्रकट होते हैं। बेटी पीलू सुंदर मेरा बहुत प्यारे भक्त हो आप, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अपने परम भक्त के बेटे को भटकने नहीं दूंगा, मैं उसका कल्याण करूंगा। जो हो भोलेनाथ आपकी जय हो शिव शंभू। जय हो शिव शंभू जी की। और ऐसे ही एक दिन बंटी जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा क्या तुम्हारा नाम बंटी है? प्रणाम साधु महाराज जी,
आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे पिताजी सुंदर का भी नाम पता है और तुम्हारी पत्नी पीलू का भी नाम पता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अगर करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, आपको नाराज करके मैं शाप नहीं लूंगा, बताइए क्या काम है। और फिर साधु के कहने पर बंटी पत्थर लेकर आता है और साधु के कहने पर वो अलग अलग औजार लेकर उस पत्थर को तराशने लगता है। साधु उसे एक पत्थर की स्त्री बनवा लेता है और फिर उसे कोयला मंगवा कर उसको इस्त्री करवाने के लिए लगा देते हैं। कुछ दिन डर के कारण बंटी इस्त्री करने लगता है और फिर उससे कमाई होने लगती है। फिर एक दिन बंटी साधु से कहता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे प्रेस करवाने वाला बना दिया। बंटी, क्या तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं है? तुम डर के कारण मेहनत किए, क्या तुम रोज काम नहीं कर सकते हो? आप कौन हैं? और साधु जी की जगह शिव शंभू प्रकट हो जाते हैं। शिव शंभू जी, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी मेरे भक्त है, तुम्हारी पत्नी मेरी भक्ति की, मैं तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए काम शुरू करो बेटा, घर के लिए, परिवार के लिए और अपना फर्ज निभाओ, मेरा आशीर्वाद है। हे शिव जी, मैं अपने पिताजी को तकलीफ दिया, अपनी पत्नी को तकलीफ दिया, अब आपके आशीर्वाद से मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और घर का ख्याल रखूँगा। इसके बाद बंटी अपना पत्थर के प्रेस से कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर देता है, अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता है। अब से वो पीलू और सुंदर के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन अभिषेक करता था। पीलू बहुत खुश हो जाती है और शिव जी को धन्यवाद देती है। बेटा, तू तो शिव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब तू पत्थर की स्त्री बनाने का काम भी शुरू कर दे। जी पिताजी, आपका ख्याल सही है। भोलेनाथ शिव शंभू महाराज जी की जय हो। और बंटी पत्थर का प्रेस बनाने का काम शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही सफल हो जाता है। शिव शंभू जी की आशीर्वाद से उनकी आराधना करते हुए बंटी और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है।